प्राइमरी सेक्शन में कंपटीशन 10 बच्चों के दरमियान में था गोल्ड मेडल के लिए, और 10 बच्चों के नाम शॉर्टलिस्ट होके मेरे पास आए थे। मैंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ था कि जिसमें जरूरी नहीं है कि बच्चा फर्स्ट आए तो गोल्ड मेडलिस्ट का हकदार ठहरे, उसमें उसकी अटेंडेंस, उसकी ताबेदारी, उसका एटीट्यूड गोल्ड मेडल मतलब उसका बिहेवियर, उसका यूनिफॉर्म, उसकी ताबेदारी और बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उन 10 बच्चों में से प्राइमरी सेक्शन का गोल्ड मेडल जो मैंने डिसाइड किया, जो अभी तक सीक्रेट था, और अब मैं नाम अनाउंस करने लगा हूँ, आप भरपूर तालियों से उसका इस्तकबाल कीजिएगा। और लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि चीफ गेस्ट और जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वासी साहब, और हमारे चीफ गेस्ट हमारे गांव के हैं और एयरफोर्स में 35 साल में सर्व किया, रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं, और जब मैं एयरफोर्स में बिल्कुल बच्चा था गया था जब मेरी उम्र 18 साल थी, तो सर ने मुझे अपने घर इनवाइट किया एट पिशावर, ये लोग शहीद कैंप में रहा करते थे। तो 84 की बातें हैं अगर देखें तो 38 साल पहले की। अब मुझे पता चला कि सर पिटी में शिफ्ट हो गए हैं, तो मेरी बड़ी शरीर ख्वाहिश थी कि सर आए और हमारे चीफ गेस्ट बने, और हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो सर रफाकत वारसी हैं, जो तालीम के वाले से किसी तालीमी खिदमात के वाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं। टैच वाटा, मुगाबाद, बर्फाना चौक, सब एरिया में अभी तक लोग सर वारसी को जानते हैं। मैथ्स, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे टीचर। मैं प्लीज़ आपको दावत दूंगा, प्लीज नहीं चाहिएगा, और बच्ची या बच्चा जो भी बच्ची, तो मैंने इसलिए बच्चा साथ लगा दिया ताकि अभी तक सीक्रेट रहे, तो जो भी है उसको गोल्ड मेडल दिलाने के लिए प्लीज़ आप स्टेज पे आइए। प्लीज़ सर, भरपूर तालियां।